एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के रामबन से, जहां टनल हादसे में एक शव को निकाला गया है। टनल में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन टनल ढहने के चलते मलबा आ गया है। हादसा उस वक्त हुआ, जो जानकारी मिली है, जब एक बन रहे टनल का एक हिस्सा अचानक ढह गया। टनल के अंदर 9 लोगों के फंसे होने की खबर है, जिन्हें बाहर निकालने का काम जारी है। बेहद गंभीर और बेहद भीषण हादसा इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दरअसल जम्मू कश्मीर के रामबन की तस्वीरें हैं, जहां पर टनल के भीतर से एक शव को निकाला गया है। और टनल के भीतर ये कहा जा रहा है कि कई लोगों के फंसे होने की जानकारी थी। फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें अभी भी जारी हैं, लेकिन टनल ढहने के चलते मलबा आ गया है। ऐसे में बड़ी चुनौती है उस मलबे को हटाते हुए, किसी वहां पर फंसे हुए शख्स को बाहर निकालना। हादसा उस वक्त हुआ जब एक बन रहे टनल का हिस्सा अचानक ढह गया। टनल के अंदर 9 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है, और जिन्हें बाहर निकालने का काम अभी जारी है। और इस घटना के जैसे ही लोगों को पता लगा, वैसे ही देखिए अफरा तफरी का माहौल वहां पर बरकरार है, और अभी भी धूल का जो गुबार है वो वहां पर आप साफ देख सकते हैं। और कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा मलबा है, जो लोग अंदर फंसे हुए, अभी जो जानकारी मिल रही है 9 लोगों के करीब वहां पर, ऐसा कहा जा रहा है, वहां पर वो लोग फंसे हुए हैं। और रेस्क्यू के दौरान एक शव को बाहर निकाला गया है। ऑडिट के दौरान ये हादसा हुआ है। पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है रामबन में। ये बड़ा हादसा सुरंग का हिस्सा ढहा है, और ऐसे में मलबे में कई लोगों के फंसे होने की जानकारी। और देखिए अभी आप ये जो तस्वीरें लाइव देख रहे हैं, वहां पर जो रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है वो बार बार लोगों को ये हिदायत दे रही है, ये अपील कर रही है कि आप लोग यहां से जाइए। लगभग 19 घंटों के बाद कुछ एक आशा की किरण नजर आई थी। आशा की किरण ये नजर आई थी कि उन मजदूरों को निकाला जाएगा, उनकी जो बॉडी है उनको निकाला जाएगा, लेकिन ये उम्मीद भी यहाँ पर खरी नहीं उतरी है, क्योंकि बेसब्री से इंतजार वो मजदूर भी कर रहे थे जो उनके साथ काम करते थे, नव आंखों से उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि चाहे जान नहीं भी बची हो, एटलीस्ट उनकी बॉडी ही बाहर आ जाए। लेकिन 19 घंटों के बाद जब लगा कि अब उनकी बॉडी को बाहर निकाला जाएगा, तो बारिश आ गई। और उससे बारिश से पहले आप देखिए कि 19 घंटों की जितनी मेहनत, आप देखिए लोग जो है, पहले बताऊंगी कि आप देखिए लोगों को रोका जा रहा है कि पुल पे ना जाए, उस तरफ ना जाए, फिर भी वो यहाँ जा रहे हैं। और भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, इतने लोगों का ये भीड़ है। ये लोग यहीं पे सुबह से वो मजदूर थे जो इंतजार कर रहे थे कि वो जो इनके जो साथी अंदर कल रात से दबे हुए हैं टनल के अंदर जो है वो फंस चुके हैं, उनको निकालना था। और इतनी मशक्कत करने के बाद भी उनको नहीं निकाला गया, क्योंकि जितना मलबा उन्होंने साइड पे मशीनरीज ने किया था, उससे ज्यादा मलबा जो आप देख सकते हैं बाहर आ गया है। मैं तस्वीरों में चांद से कहूंगी दिखाने की कोशिश करें, ये वो टनल है जो बंद हो चुकी है। ये जो मलबे का ढेर आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक विस्फोट से 2 दिन पहले ही टनल का काम चल रहा था। और कल रात को जब ये विस्फोट के बाद टनल ढह गई, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर मशीनरीज लोग वहां से उनको भागना पड़ रहा है। जो लगभग 19 घंटों से, मैं आपको तस्वीरों में बताना चाहूंगी, 19 घंटों से जो NDRF की टीम लगी हुई थी उनको, उनकी बॉडीज को बाहर निकालने में, उन मजदूरों को बाहर निकालने में, वो उनको भी अब वापस आना पड़ा है, क्योंकि इस वक्त की हालात जो यहाँ के वो बड़े बेहद दर्दनाक हो चुके हैं। आप देखिए किस तरह से भाग कर वो अपनी जान बचाते हुए आ रहे हैं। वो जो सामने मशीनरीज है, इन्हीं मशीनरीज का सहारा लेके, इन्हीं के सपोर्ट से ही वो मलबे को पीछे कर रहे थे, और पिछले 19 घंटों से कार्य चल रहा था। लेकिन 19 घंटों की इस मेहनत को, मेहनत जो है वो इस मलबे के ढेर में आ गई। आप देखें कि वो पहाड़ी, आप देखें कि कैसे वो फिर से उतनी ही ज्यादा तादाद में उसमें मलबा आ गया और ढेर हो चुकी है, और लोगों को यहां से निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन से लाइव हमारे साथ हमारे सहयोगी कोमल जुड़ी हुई हैं। कोमल, 19 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जरा बताइए अभी क्या स्थिति है और क्या, कितने लोगों को निकाला गया है, कितने लोग और फंसे हो सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे आप देखो, मैं आपको तस्वीरें पहले भी दिखा रही थी, बारिश ने यहाँ पर काम बहुत खराब कर दिया है, क्योंकि पहले 19 घंटों से ही लगातार कोशिश की जा रही थी मशीनरीज के सहारे, जो ऑपरेटर्स थे वो यहाँ पर थे, और उनको उनकी मेहनत से ही काफी ज्यादा तादाद मलबे को जो है वो हटा दिया गया था। अब एक आशा की किरण नजर आई थी कि अब शायद उनकी बॉडीज को, जो 9 लोग अंदर फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन उसी वक्त अभी कुछ सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अभी कुछ पलों में शायद बॉडीज बाहर आ जाएंगी। सब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की बात करते हैं, मैं डीसी रामबन से बात करने की कोशिश करूंगी पहले। सर, मैं आपसे बात करने की कोशिश, सर हम लाइव में हैं, मैं आपसे बात
वो खुद शायद बात कर रहे हैं, सीनियर ऑफिसर से बात कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एसएसपी रामबन हमारे साथ मौजूद है। मोहिता जी, मोहिता जी, लगभग 19 घंटों की मेहनत मशक्कत काम नहीं आई, क्या कहेंगे आप? I don't know, I don't have words to say. हम क्या कर सकते हैं, जब नेचर सामने खड़ा है उसके आगे किसी का जोर नहीं चल सकता। मोहिता जी, ऑलरेडी हम उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे, ऑलरेडी सारी रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंची थी, पुलिस यहाँ पर सुबह से पहुंची है, लोग भी यहाँ पर इस बात का इंतजार कर रहे थे, उनके जो साथी लेबरर्स थे वो भी इंतजार कर रहे थे उनको निकाला जाएगा। अब एक नेचर की आपने बात की, ऊपर से फिर से डबल मलबा जो है वो वहाँ से नीचे आ गया है, तो क्या कहेंगे, कितना और मुश्किल हो गया? ये तो अब काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। वी वर सो क्लोज, एक घंटे का काम था उसके बाद, एंड वी वर होपिंग कि हो सकता है कि दीवार के साथ कोई ऐसे खड़ा हुआ हमें शायद सांसें लेता हुआ मिल जाए, बट इस ये मंजर देखने के बाद तो एकदम दिल सा टूट गया है। ऊपर से बारिश भी आ गई मोहिता जी, कितना कितना और मुश्किल हो जाएगा? बेहद मुश्किल हो चुका है, ऊपर से शूटिंग स्टोन आ रहा है, पहले ही आंधी चल रही थी, अब बारिश आ गई है। It has become a real challenge for us. But हम इससे रुकने वाले नहीं हैं, थकने वाले नहीं हैं। हम पुलिस फोर्स हैं, हम NDRF हैं, SDRF हैं, हम एक लोगों के इसी चीज़ के लिए तो हम बने हैं, तो हम रुकेंगे नहीं। जैसे ये थोड़ा स्टेबल होगा, वी विल नॉट वॉन्ट कि हमारे लोगों की भी लाइफ रिस्क पर आए, बट जैसे ही ये स्टेबल होगा वी विल अगेन मूव। वो जो ऑपरेटर्स थे वो वहाँ से निकले गए, वो निकलने में कामयाब, उनकी इस हिम्मत की मैं दाद देती हूँ कि यहाँ पे जितने ऑपरेटर्स काम कर रहे थे, जो जब कोमल अपना बड़ा मसला है, देखिए उन्होंने ना सिर्फ अपनी जान है, और सबसे बड़ी चुनौती जो कोमल भी बता रही हैं कि किस तरह से मलबा एक बार फिर से गिरा है, और ऐसे में बड़ी चुनौती ये है कि वहाँ बारिश हो रही है, और बारिश के बीच में ये चुनौतियां और बढ़ जाती हैं कि कैसे उन लोगों को जो इस मलबे के नीचे दब गए हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। बहुत ही ज्यादा दिक्कतें इस वक्त वहां पर जो रेस्क्यू टीम पहुंची है उनके लिए है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जहां सुरंग का एक हिस्सा गिरा उसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची, और एक बार फिर से थोड़ी देर पहले जैसा कि कोमल बता रही थी फिर से एक मलबे का बड़ा हिस्सा गिरा है, और ऐसे में बार बार जो रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है वो लोगों से भी अपील कर रही है कि आप यहां से हटिए, कभी भी कोई और हिस्सा पहाड़ से गिर सकता है मलबे के रूप में, और ऐसे में जिंदगियों को बचाना एक बड़ी चुनौती हो जाएगा। हालांकि इस वक्त वहां पर बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन से, जहां पर 19 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल हुआ क्या है इस पूरी घटना के बारे में एक बार फिर से आपको बताएं, रामबन में टनल में हादसा हुआ है। कोमल एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, दो चुनौतियां बता रही हैं कि मलबा फिर से गिरा है और बारिश हो गई है, अभी स्थिति क्या है स्टेबल होने में ताकि रेस्क्यू को रफ्तार दी जा सके? बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख रहे हैं इन मशीनरीज को भी यहाँ पर लाया गया है उनकी मदद के लिए। आप बता दें कि पहले ही ऑलरेडी जो ऑपरेटर थे सुबह से ही जो है वो काम कर रहे थे कि उन जो मजदूर हैं उनको वहाँ से बाहर निकालना है। ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पर ये एक मिड एरिया है, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे, ये रामबन एरिया है। जितना जम्मू से रामबन दूर है इतना ही रामबन से कश्मीर दूर है। सुबह से ही ट्रैफिक को पहले रोका गया, अब आप देखें अभी कुछ देर पहले ही इन्होंने ट्रैफिक को जो है रिलीज किया है। मैं बताना चाहूँगी आपको, आप देखिए ये टनल एक फेज था और ये जो टनल बन रही है, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और एडमिनिस्ट्रेशन LG गवर्नमेंट ने ये कहा था कि इन टनल को जल्दी ही तैयार करना है क्योंकि यात्रा आने वाली है और इन्हीं टनल से यात्रों को जो है भेजा जाएगा कश्मीर की तरफ। लेकिन एक टनल का फेस आप ये देख रहे हैं और दूसरी टनल का फेस आप वो देख रहे हैं। एक टनल आपको दिख रही है उसका फेस आपको दिख रहा है, लेकिन दूसरी टनल का फेस आप देखिए, आपको लग ही नहीं रहा होगा कि ये टनल है, क्योंकि टनल बंद हो चुकी थी देर रात जब पसियां गिरी और वो अंदर मजदूर काम कर रहे थे। वो आए तो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए थे, लेकिन नहीं सोचा था कि यहाँ पर आके वो अपनी जान गंवा देंगे। SSP मोहिता शर्मा ने ही भावुक होकर हमसे बात की, उन्होंने कहा कि ये नेचर थी लेकिन हम डटे रहेंगे। और आप देखो तस्वीरों में कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर इस तरह का बड़ा हादसा होना बेहद ही गंभीर बात है। एक टनल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक टनल आप देख रहे हैं वो, और एक टनल आपको लग ही नहीं रहा होगा कि ये टनल है। यहाँ पर टनल बन रहा था और टनल ढह जाने के बाद जब मलबा आता है तो उस मलबे के बाद वो 9 जिंदगियां इस मलबे के पीछे हैं, वो 9 जिंदगियां इस मलबे के पीछे हैं, वो पता नहीं जिंदा भी है
या मर चुके हैं, ये भी तय नहीं हुआ है। आप वो टनल देखिए, एक टनल का वो फेस है, मैं दिखाऊंगी, मेरे कैमरा में दिखाएंगे जी कोमल, मैं आपके पास आऊंगी। और बेहद खतरनाक ये हादसा हुआ है जिसमें जो एक टनल है वो पूरी तरह से मलबे में दब गई है और उसमें न जाने कितनी जिंदगियां हैं। ऐसे में रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची हुई है और एक दूसरी जो टनल है उसी से ही दोनों तरफ के जो वाहन है आने जाने का काम उससे लिया जा रहा है। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती होगी इस मलबे को साफ करना। शुक्रिया कोमल।